हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023। देखिए, 2021 और 22 की वैकेंसी एक साथ आई थी और अब नई वैकेंसी 2023 की जो है उसका भी अभी कहना कि सोशल मीडिया पर पहले वायरल हो जाती है बहुत सारी चीजें। तो ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके बारे में काफी कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि क्या ये सही है और अभी 2022 का जो रिजल्ट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो क्या उससे पहले नई वैकेंसी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। रिजल्ट तो डिक्लेयर हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हुई थी उसकी वजह से वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। अब इसमें कितनी वैकेंसी है पहले देखिए, उनकी बात करते हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज है उनकी बात करते हैं। तो इसमें 1410 वैकेंसी दिख रहा है, मेल के 1410 टोटल है, जिसमें से 1343 मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 67 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नोटिफिकेशन का जो डेट है वो भी और सिग्नेचर जो देखिए, जो किसी भी नोटिफिकेशन में जो देखा जाता है, यूं तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों के बीएसएफ ट्रेड्समैन की एंसर की भी वायरल कर दी गई थी, लेकिन वो एंसर की गलत थी। लेकिन इसमें कहीं कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इसके ऊपर हम सवाल उठा सकें कि कॉबलर की कितनी वैकेंसी है। 17 वैकेंसी है, जिसमें कि 3-2 टोटल 22 है। टेलर का कितना है? टेलर का टोटल 12 है। प्लम्बर भी ट्रेड में होता है। प्लम्बर की भर्ती एमटी वर्कशॉप में होती है, वो अलग से होती है, और यहाँ ट्रेड में भी प्लम्बर होता है। तो प्लम्बर की वैकेंसी हमने 2011 से जब से वैकेंसी आ रही हैं तब से एक बार वैकेंसी देखी है, उसमें सिर्फ एक वैकेंसी थी। लेकिन इस बार प्लम्बर की 22 वैकेंसी है, पेंटर की 16 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रीशियन जो है उसकी 12 है। पंप ऑपरेटर एक वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन का 8 वैकेंसी है, जो सभी यूआर का है। अपहोल्स्टर एमटी वर्कशॉप में भी होती है वैकेंसी और ट्रेड में भी होती है। अपहोल्स्टर की एक एक वैकेंसी है, टिन स्मिथ यानी लोहार की एक वैकेंसी है और बुचर पहली बार देखिए बीएसएफ में कसाई की भी वैकेंसी आ गई है। बुचर कि काटना हमसे सीखो, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। तो दो वैकेंसी शायद जहां तक मुझे जानकारी है पूरा बीएसएफ में दो ही हैं बुचर की वैकेंसी, तो उसमें से एक वैकेंसी नई क्रिएट हो गई है। कुक का कितना है? सबसे ज्यादा है, 456 वैकेंसीज हैं। वाटर कैरियर का 280 है। वॉशरमैन का 125 है। बार्बर का 57 है, मेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं। स्वीपर का 263 है। वेटर का इतना ही आता है, 2-5 वैकेंसी आती है, तो 5 वैकेंसी है वेटर की। और माली गार्डनर का टोटल 25 वैकेंसी है। और खोजी पागी जो कि सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही जिनकी पोस्टिंग होती है, दूसरे फ्रंटियर में वो लोग नहीं जाते, उनकी 36 वैकेंसी है, जो कि पागी की वैकेंसी 2021-22 में एक भी वैकेंसी नहीं थी, यानी कि 0 वैकेंसी थी। और उससे पहले 19 में भी शायद पागी की वैकेंसी नहीं थी। उससे पहले वाला जो 17 वाला था उसमें 5-6 वैकेंसी थी जहां तक मेरी जानकारी है। अब देखिए यहां हम देखते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए टोटल 60 वैकेंसीज हैं, जिसमें कॉबलर, टेलर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन ही कहेंगे उसको, बार्बर, स्वीपर और माली। द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। पेज 2 पर क्या है? वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज। बीएसएफ रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस और कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। वैकेंसीज ऑफ अबव ट्रेड आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स यूटीज एज पर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ ईच स्टेट यूटी। प्लीज लॉग ऑन टू बीएसएफ वेबसाइट recruitment.bsf.gov.in
सी द डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि 2021-22 वाली में था वैसा ही आपके स्टेट यूटी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी मिलेगी। और लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है उसमें पब्लिश होने के 30 डेज। तो इस सैटरडे को हम अपेक्षा कर रहे हैं कि इस सैटरडे को जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा उसमें ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और सैटरडे रात से ही वो लिंक भी शुरू हो जाता है, लास्ट डेट के बारे में पूरा बताया जाता है। एज में देखिए अब की बार छूट कर दी गई है और ये पहले से ही रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ चेंजेस करने की बात चल रही थी। 18 से 25 साल एज बताया जा रहा है ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो हमारे SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और OBC के लिए 27 हो जाएगा। ये पहले से ही CRPF के भी रिक्रूटमेंट रूल्स ऐसे चेंज हुए थे तो उसमें ये माना जा रहा था कि ट्रेड्समैन का एज जो है वो 25 कर दिया जाएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब इसमें सभी ट्रेड्स के लिए कुछ अलग है, वो क्या है देखिए कि 4 ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल ड्राफ्ट्समैन, कांस्टेबल अपहोल्स्टर एंड टिन स्मिथ। मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास तो सभी के लिए है, उसके बाद में क्या है विद बी क्या है उसमें 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ITI, या तो आपके पास में संबंधित ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए 2 साल का, या 1 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ITI, जैसे कि हम बात करें डीजल मैकेनिक का या टेलर के लिए हम बात करते हैं तो टेलर का ITI का कोर्स 1 ईयर का होता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन का 2 साल का होता है और कारपेंटर का भी 1 साल का होता है। तो 1 साल का कोर्स विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। अब यहां पर देखिए जो 2 ईयर्स जो एक्सपीरियंस बनाते थे हम तो क्या आप वो इस बार शायद खत्म कर दिया है, किसमें, इन ट्रेड्स में जो ट्रेड हमने कि पहले उसके साथ क्या था, पिछली बार आपने आवेदन किया था तो 2 ए में क्या था मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद बी में पहला क्या था 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस, कैसा भी हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, होटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कैसा भी हो, लेकिन वो यहां पर नहीं लिखा हुआ है कहीं। यहां पर लिखा हुआ है कि या तो 2 साल का कोर्स हो या 1 साल का कोर्स हो और उसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा जो ट्रेड्स है, कांस्टेबल कॉबलर है, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल बारबर, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल माली और कांस्टेबल खोजी और साइस, यहां पर पद जो है वो खोजी के हैं, उसमें मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बी है मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, ट्रेड में दक्षता होनी चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्टेड बाय रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि उसमें किसी प्रकार का 2 साल का एक्सपीरियंस वाली कोई बात नहीं लिखी गई। अब कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर, कांस्टेबल वेटर एंड कांस्टेबल बुचर, इसमें NSQF यदि आपको याद आ रहा हो तो 2021 में जब कोविड सेकेंड फेज चल रहा था उस समय हमारा एक वीडियो आया था जिसमें हमने बताया था कि अब आगे आने वाली जो ट्रेड की भर्तियां हैं उसमें NSQF नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसका NSQF है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क का लेवल 1 कोर्स जो है वो किया होना चाहिए फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, योग्यता हो गई। यानी कि जो 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस बनाया जाता था, कहीं भी आप जाते थे किसी होटल वाले के पास और उसको कहते थे कि मुझे 2 साल काम करने का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए और वो अपने रजिस्टर में एंट्री करके आपको सर्टिफिकेट बना देते थे, वो काम बंद हो जाएगा इस बार से। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस,
तो यहां पर अब ट्रेड जो है, ट्रेड क्या सभी में होगा या नहीं होगा, देखिए डिटेल नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा, लेकिन जो अभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। हाइट चेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो उसमें भी फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन बिलो 165 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना है 155 है, चेस्ट मेल के लिए 75 से 80 है, और मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ ऑल स्टेट और यूटी 160 है उनके लिए। मिनिमम हाइट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द नक्सल इफेक्टेड एरिया के जो एसटी हैं हमारे, उनको देखिए छूट दी गई है, 158 सेंटीमीटर है मेल के लिए, फीमेल के लिए 147 है, और एसटी जो जनरल एरिया है उसके लिए 148 है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बड़ा बदलाव किया गया है भर्ती के नियमों में, उनके लिए 155 है और 147 है। गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उनके लिए 162 है और 152 है। और मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उनके लिए 160 और 75, 80, 150। और जो गोरखा टेरिटोरियल रीजन जो है उसको भी छूट दिया गया है, 155, 150 और 75 से 80। वेट, एज पर स्टैंडर्ड हाइट वेट चार्ट प्रेस्क्राइब्ड इन द यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड असम राइफल्स 2015, उसके तहत होना चाहिए वेट आपका, जो कि मेडिकल में नापा जाएगा। अब रनिंग कितना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसा होगा, ट्रेड टेस्ट, वो पूरी जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन है जो आने वाला है उसका आप वेट कीजिए। अब देखिए यहां पर जो हम देख रहे हैं सिग्नेचर और ये जो साइन जो है यहां पर डेट 30/1/2023, तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरीके से फेक नहीं है, जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं जो वायरल किया जा रहा है, ये हमें भी किसी ने हमारे साथ शेयर किया तो ये सही है। और सैटरडे का जो न्यूज़पेपर आएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसमें डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आ जाएगी। इसके अलावा जो साइट है बीएसएफ का वो भी शायद सैटरडे तक ओपन हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके जहन में ये आ जाएगा कि ये वैकेंसी आ गई है 2020 जो 21-22 वाली है उसका क्या होगा। देखिए वो अलग से चल रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो भी, रिजल्ट का प्रोसेसिंग भी जल्द शुरू होगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन पहले जांच हो रही है उस बात की। जो तस्वीरें वायरल हुई थी जो ओएमआर शीट की और जो टेस्ट बुकलेट था उसका, टेस्ट बुकलेट बीएसएफ का प्रश्न बैंक है तो वो आउट नहीं होता, तो क्यों, किस आधार पर और कहां से कैसे तस्वीरें वायरल हो गई, क्या उन तस्वीरों वायरल होने से किसी को एडवांटेज तो नहीं मिला, उन सब चीजों की जानकारी जो है वो जब तक देखिए फोर्स के जो आला अफसरान है वो उन चीजों से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक रिजल्ट हॉल्ट पर है। और रिजल्ट जो भी इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट होगा उसके ऊपर रिजल्ट आएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद।